सचिन अस्पताल में गंभीर हालत में 12 साल के बच्चे अमित को भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बच्चे की प्लेटलेट्स बहुत कम बताई और कहा कि तुरंत प्लेटलेट्स की व्यवस्था करनी होगी। इस दौरान काफी चक्कर काटने के बाद भी प्लेटलेट्स नहीं मिली तो उदास परिजन पलवल के अपना ब्लड बैंक पहुंचे, जहां प्लेटलेट्स तो नहीं थी लेकिन वहां कार्यरत लैब टेक्नीशियन दीपक भारद्वाज ने बच्चे के परिवार की बात सुनकर प्लेटलेट्स दान करने का फैसला किया। दीपक ने प्लेटलेट्स देकर एक छोटे से बच्चे की जान बचाई है। केसी प्रशांत पैथ लैब के कर्मचारियों ने इससे पहले भी जरूरतमंद लोगों के लिए प्लेटलेट्स हो या ब्लड या फिर प्लाज्मा दान करके लोगों के जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। ये पेशेंट सचिन हॉस्पिटल से था, अमित नाम से है, 12 साल का है और वो उसके जो टेंडर थे सुबह से लग रहे हैं प्लेटलेट डोनर अरेंज करने के लिए, लेकिन उनका अरेंज हो नहीं पाया है। तो हमारे स्टाफ का एक दीपक नाम से किसी प्रधान पैथलेट से इन लड़कियों ने मोटिवेट किया उसको, वो लेके आए, वो अभी प्लेटलेट डोनेट कर रहा है। बच्चे का ग्रुप ए पॉजिटिव है और इस लड़की का ए भी नेगेटिव है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, चल जाएगा। ये बच्चे की रिक्वायरमेंट है 12,000, उसकी प्लेटलेट बच गई है अभी, इससे कम होंगी तो बच्चे को दिक्कत ही है। और उसको 12 साल का ही लड़का है, उसके लिए अरेंज हो नहीं पा रही थी और उसके पापा ने भी ट्राई किया, काफ़ी जगह सुबह से लगे हुए हैं, तो हमें सोचा कि हम भी करा दें। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लेटलेट ब्लड देने से भी कोई दिक्कत नहीं है और प्लेटलेट देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट देने के बाद आप 3 दिन बाद दोबारा डोनेट कर सकते हो, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 दिन बाद कर ही सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दीपक बात है, सचिन हॉस्पिटल से आई थी बच्चे के लिए, 12 साल का बच्चा है, उसकी 12,000 रह गई थी, मेरे को बताया गया नीचे, फिर मेरा ब्लड टेस्ट पूछा क्या था, मैंने ए बी नेगेटिव, उन्होंने चेक किया, क्रॉस मैच किया, ठीक है, अब ये कह रहे थे कि ले लेंगे, बल्कि अगर बच्चे की जान बचती है, किसी का भला होता तो कर देते, इसमें कोई इश्यू थोड़ी है। लोगों को मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा, दुनिया दुखी तो भगवान से भी है, इंसान है हम तो, पर ये इस जन्म में जब कोई अच्छा काम हो जाए तो अपनी तरफ से कर दो, इसमें क्या है, किसी की जान बच जाए, कोई आगे दुआ तो देगा, दुआ कहीं ना कहीं आगे काम आएगी।